हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हम हाजिर हैं आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट जो कि उत्तराखंड पीआरटी भर्ती को लेकर आया है। एक शासन देश अभी रिलीज हुआ है जिसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे कि आज की आपने न्यूज़ में हेडलाइन भी देखा होगा कि NIOS के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि वो एलिजिबल हैं, उसको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने उसको डिलीट ही कर दिया है। जो स्पेसिफिक वर्ड मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता, बट द मेन थिंग दैट जो शासन था GIO उसको वापस ले लिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आज मीनाक्षी सुंदरम जो शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 10 फरवरी 2021 को वहाँ पर निदेशालय को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा DLED यानी अनट्रेंड इन सर्विस टीचर को लेकर। तो मुझे तो एक बात यही समझ में नहीं आती, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और NCERT ने ये चीज़ कर दिया था कि यहाँ पर एलिजिबल हैं सभी में, फिर आपने एक बार उनको कहा कि यू आर एलिजिबल, अब बाद में कहा यू आर नॉट एलिजिबल, वॉट इज़ दैट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो रेफरेंस नंबर उनके अनुसार था 15/1/2000 को उन्होंने जारी किया था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, 2017 और 2019 वाले एलिजिबल होंगे और जिन्होंने UTET 1 कंप्लीट किया और सारी चीज़ें उन्होंने अप्लाई की हुई हैं, मतलब सारे मानदंड को वो फॉलो करते हैं, वो एलिजिबल है। उन्होंने वहाँ पर ये कहा था। उसके अलावा पॉइंट 2 में इन्होंने ये कहा था कि उसके अलावा उसके बाद के जो 19 में कंप्लीट हो गए हैं, उसके अलावा NIOS से जो OLD के माध्यम से जिन्होंने 2 वर्षीय DLED कंप्लीट किया है और वो उसमें उसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे जो करंट में वैकेंसीज आई हैं। अब इन्होंने जो पॉइंट किया है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान पर देने की जरूरत है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुझे यह कहने के गाइडलाइन दिए गए हुए हैं या फिर निर्देश दिए गए हैं कि NIOS से दूरस्थ शिक्षा यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से 2 वर्षीय DLED जिन्होंने लिया है और यानी कि 17-19 वाले, हाँ पहले उन्होंने कहा कि 17-19 वाले एलिजिबल होंगे, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं 17-19 वाले और प्रशिक्षण की अवधि 18 मंथ है, अभ्यर्थियों को राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति विशेषक शासनादेश संख्या 10/ इस तरह से जो इन्होंने 15/1/2021 को निकाला था को निरस्त कर दिया जाता है। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे ये चीज़ कह दी है कि अब भाई NIOS के कोई भी एलिजिबल नहीं होगा इसको लेकर। बाकी NIOS वाले भी यहाँ पे हाईकोर्ट में चले गए थे, बाकी अभी तो स्टे लगा हुआ, हाल फिलहाल 18 को वो बैकलॉग की मेरिट लिस्ट हो जानी थी। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या डिसीजन होता है और किस तरह से चीज़ें निकलती हैं। आई होप सो कि ये न्यूज़ आपको समझ में आएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और आप क्या सोचते हो NIOS इज एलिजिबल और नॉट एंड व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन एंड दिस रिलीज, प्लीज डू कमेंट्स।